तो हाय बच्चों बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो हम लोग, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं इस समय केवल और केवल जेएनवी के लिए ही वीडियो डाल रही हूँ। बच्चों जेएनवी के लिए, बच्चों आप जान रहे हैं कि उनका पेपर नजदीक है, लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं है कि पेपर कब होगा। ठीक है, अभी ये डेट नहीं आ रही है कि भाई पेपर कब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम लोग अपने इस सीरीज को, लेकिन हाँ ये तय है कि जल्द ही होगा, तो थोड़ा सा इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बच्चों मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी क्वेश्चन आते रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं आप लोगों को सारी बात बताऊंगी कि आप पेपर देने जाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बच्चों OMR शीट कैसे भरनी है, क्या आप लोग पेपर में कैंची, पेंसिल, पेन या फिर पेन कौन सी यूज करें, क्या हम लोग पारस की पेन वगैरह भी ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। और साथ ही साथ बच्चों अभी तो जो ये वीडियो है वो मैं आप लोग को इसमें गद्यांश हल करना सिखाने वाली हूँ कि हम लोग गद्यांश कैसे हल करेंगे। आप जानते हैं कि इस बार अब जो जेएनवी के पेपर हो रहे हैं उसमें 4 गद्यांश आते हैं। हम लोग जब मैंने पेपर दिया था तो बच्चों उसमें 5 गद्यांश आते थे, लेकिन अभी 4 ही गद्यांश आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या कम हो गई है, जब मैंने पेपर दिया था तो क्वेश्चन की संख्या 100 थी, तो इस वजह से गद्यांश भी कम हो गया। रीजनिंग भी अब 40 ही हो गई, मैथ भी 20 ही हो गई। हम लोगों ने पेपर दिया था, रीजनिंग 50 थी, मैथ 25 थी, और गद्यांश कितने थे, 5 आते थे। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें हम लोग सीखते हैं कि गद्यांश को हम लोग कैसे पढ़ के और कैसे हल कर सकते हैं, सटीक आंसर हमारा कौन सा होगा। आपको यहाँ बच्चों स्क्रीन पे अभी बगल में क्वेश्चन दिखने लगे, तो सबसे पहले ध्यान रहे कि आप निश्चिंत हो के हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराएंगे। बच्चों आपके पेपर होने से पहले आपको 20 चैप्टर के फार्मूलाज भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा बच्चों QMR शीट को कैसे भरना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पेपर में क्या चीज अलाउ होती है और क्या चीज अलाउ नहीं होती है, मैं सब कुछ बताऊंगी बच्चों। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे कोचिंग में भी जेएनवी की तैयारी होती है, इस बार भी बच्चों ने फॉर्म डाला है, अगली बार भी फॉर्म डाले थे और बहुत से बच्चे पास भी हुए थे, तो हम लोगों को इस बात का अनुभव है, तो हम अपना अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी जो आज का वीडियो वो गद्यांश पे है, तो इस पे चर्चा करते हैं। उस चीज के लिए हम एक अलग सा वीडियो लाएंगे, वो पेपर आपका जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे आपकी वीडियो आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए अभी हम गद्यांश को हल करते हैं। आप पहला गद्यांश अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे देखिए, हम बुक से देख के पढ़ते हैं। तो बच्चों आपको गद्यांश यहाँ सबसे अलग मिलने वाला है, क्योंकि गद्यांश तो ऐसे बहुत सारे गद्यांश यूट्यूब में है, तो मैंने अलग थोड़ा सा लिया है क्योंकि वही चीज रहता है तो बच्चे थोड़ा उसमें कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए, आप गद्यांश आपको दिख रहा होगा बहुत अलग है। देखिए कह रहा है कि हमारी यह धरती लगभग 5 अरब पुरानी है। दोस्तों जिस धरती पे हम लोग रहते हैं वह 5 अरब पुरानी है। 2-3 अरब तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब तक बच्चों ये पृथ्वी हमारी 10 अरब पुरानी है। 2-3 अरब तक तो यहाँ ना जीव थे ना जंतु, धरती हमारी गर्म ही थी। ठीक है, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पति ही इस धरती पर राज्य कर रहे थे। फिर करोड़ों साल जब जन्म हुआ तो पहले पेड़ों का और वनस्पतियों का, और मतलब कुछ जानवर और कुछ पेड़, कह रहा है कि जानवरों तथा वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। बच्चों आज से 5 साल पहले इस पृथ्वी पे मानव आया था, तो बस हम लोगों को मानव जाति को आते अभी 5 साल ही हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी देखिए जस्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। बच्चों जब तक आप, जैसे कि हमारे आने भी हमारे पीछे बीत चुका है, वो आपको कैसे पता चलेगा, यदि कोई बताने के लिए जिंदा हो, क्या जो पीछे हो चुका है वो बताने के लिए क्या कोई 200 साल 1 अरब साल तक, 100 साल तक, 1000 साल तक, 100 साल तक मानेंगे, लेकिन क्या 1000 2000 साल तक कोई जिंदा रहेगा, नहीं ना। तो इस पीढ़ी को बीते हुए कल के बारे में कैसे पता चलेगा, कोई लिख के बाद चला जाए। तो जब से बच्चों लिखा जाने लगा तब से ही इतिहास की शुरुआत हो गई। तो ठीक है, इतिहास की ही शुरुआत हो गई, आज हम लोग पढ़ते भी हैं,
बहुत से इतिहास पढ़े हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, मतलब दोस्तों 6000 साल पहले से ही लिखना शुरू हुआ था और इतिहास को शुरू हुए केवल 6000 साल ही हुए, भले हमारी पृथ्वी आज से अरब साल पहले बनी थी, उससे कोई लेना देना नहीं। अरब साल पहले बन के भी क्या हुआ जब कोई साक्ष्य ही नहीं प्राप्त हुआ। तो अब आप क्वेश्चन को बच्चों देखिए अब हल कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए, वैसे क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ है धरती की प्रारंभिक दशा कैसी थी। जब दोस्तों जब धरती हमारी उसकी जो प्रारंभिक यानी शुरुआती दौर में धरती कैसी थी, तो पहले ही लाइन में देखिए, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ लीजिए तब गद्यांश की ओर चलते हैं। धरती की प्रारंभिक दशा कैसी थी, पेड़ नहीं थे, सभ्यता नहीं थी, किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, इसमें से कुछ नहीं था। अब चलिए, हमारी यह धरती लगभग 5 साल पुरानी है, 2-3 अरब साल इस पर पृथ्वी पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। तो आप में बताइए, पहली लाइन देखिए, धरती की प्रारंभिक दशा कैसी थी बच्चों, तो किसी प्रकार के जीव जंतु यहाँ नहीं थे। जब धरती की हमारी प्रारंभिक दशा पे किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, फिर उसके बाद केवल पेड़ और वनस्पति आए थे ना, तो तीसरा नंबर ऑप्शन। फिर आप क्वेश्चन पढ़िए और चारों ऑप्शन पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव का धरती पर आगमन कब हुआ। पहला ऑप्शन देख लीजिए 5 लाख साल पहले, दूसरा 5 अरब साल पहले, तीसरा 3 लाख साल पहले, चौथा 3 अरब साल पहले। तो बच्चों देखिए चौथी लाइन में लिखा है कि आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तो बच्चों आदमी का मानव का धरती पे आगमन 5 लाख साल पहले हुआ था, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, पहला ऑप्शन है। मनुष्य का विकास हुआ, इतिहास का आरंभ हुआ, जानवरों का आरंभ हुआ, नए युग की शुरुआत हुई। तो यहाँ देखिए बच्चों लिखा हुआ अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब पैराग्राफ चेंज हुआ तो पहली ही लाइन की अक्षरों के खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि अक्षरों की खोज के साथ अक्षरों की खोज मनुष्य के सबसे बड़ी खोज कैसे है। तो बच्चों जब मनुष्य ने अक्षरों की खोज की तो उसी से हमारे नए युग की भी खोज हो गई। आगे देखिए कि एक पीढ़ी के ज्ञान का लगभग दूसरी पीढ़ी को कैसे मिलता है, मतलब हमारी जो पीढ़ी का ज्ञान है आने वाली पीढ़ी तक हम कैसे पहुंचाएंगे बच्चों, लेख लिखकर। कैसे, लेख द्वारा। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन ही क्या है, लेख द्वारा। आपके गद्यांश में भी ये बात लिखी गई है, जब से लिखना हुआ तब से ही इतिहास बना, क्योंकि नहीं तो हम लोगों को अपने पीछे के बारे में कुछ नहीं पता था। जब से लिखना शुरू हुआ तो उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। आगे देखिए कि इतिहास को शुरू हुए कितने साल हुए हैं। तो बच्चों लाइन में लिखा हुआ था कि इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, कितने, 6000 साल ही हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आइए अगले गद्यांश की ओर चलते हैं, आप लोगों को अगला गद्यांश दिख रहा होगा। तो बच्चों पहले एक बार ही गद्यांश पढ़ लेते हैं, अगर गद्यांश थोड़ा डिफिकल्ट रहे तो आप गद्यांश 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं, और आप पेपर में पेंसिल का प्रयोग बच्चों जरूर करें, पेंसिल और इरेजर जरूर लेके जाएं। गद्यांश में जो आपको डिफिकल्ट शब्द रहे उसे आप अंडरलाइन कर लें, कि अभी इसका मीन्स जरूर कहीं ना कहीं पूछ लेगा, ठीक है। तो चलिए पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं कि पेड़ नीम का भी अच्छा है, पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है, घर में कोई बीमारी हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं, पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा, और अगर मेरे पास रबर का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक बार चीर देता, चीरे के तेल तले मैं एक प्याला रख देता, पेड़ के दुधिया रस को मैं एक प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता, रबड़ से लोग गुब्बारे टायर तरह तरह की चीजें बनाते हैं। ये गद्यांश था बच्चों, नीम के पेड़ और रबर के पेड़ के बारे में चर्चा किया। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर गद्यांश की ओर भागेंगे। कह रहा है कि घर में कोई बीमारी होता तो लोग क्या करते, चारों ऑप्शन देख लीजिए,
कि नीम खिला देते, दातून करा देते, पेड़ लगा देते, नीम की टहनी दरवाजे पर लटका देते। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप पहली लाइन के देखिए, पहले फिर से पढ़ते हैं कि पेड़ नीम का भी अच्छा, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती। आप पढ़िए कि घर में कोई बीमारी हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। तो यहाँ यही पूछ रहा था कि घर में कोई बीमारी हो तो लोग क्या करते हैं, चौथा ऑप्शन नीम की टहनियां दरवाजे पे लटका देते। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि अगर लेखक के पास नीम का पेड़ होता तो वह उसकी टहनी का क्या करता। यहाँ जो भी हो हम लेखक ही मान लेते हैं, जो भी नीम और रबड़ के पेड़ के बारे में चर्चा कर रहा है मानते हुए लेखक है। तो बच्चों कहा जा रहा है यदि लेखक के पास नीम का पेड़ होता तो वह क्या करता, रबड़ बना लेता। आप हमें बताइए नीम के पेड़ से रबड़ कब बने लगे, तो पहले ही गलत हो गया। बेच देता, हाँ उसने कहा था अगर मेरे पास, देखिए दूसरी लाइन में लिखा है कि पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ। तो ये ऑप्शन हमारा सही है कि क्या कर देता, बेच देता। अगर उसके पास क्या होता, नीम का पेड़ होता तो वो बेच देता। ठीक है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, लेखक दुधिया रस को पकाकर क्या बना लेता। सॉरी क्वेश्चन ये है कि लेखक दुधिया रस को पकाकर क्या बना लेता। पहला ऑप्शन दातून बना लेता, दूसरा रबर बना लेता, तीसरा टायर बना लेता, चौथा गुब्बारा बना लेता। तो बच्चों आप हमें बताइए कि आप दुधिया रस को पकाते तो क्या दातून बनती, नहीं ना, क्योंकि वो दुधिया रस रबड़ के पेड़ से निकाला गया था और रबड़ के पेड़ से केवल रबर ही बन सकता है। तो यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है कि उससे उसे पका कर हम लोग रबर बना लेते। क्या बना लेते, रबर। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए कि रबर से लोग क्या क्या बनाते हैं। बच्चों रबर से लोग क्या क्या बनाते हैं, क्या रबर से रस बन सकता है, नहीं बन सकता। गुब्बारे का टायर, उसे गुब्बारे और टायर होना चाहिए था, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, गुब्बारे और टायर आदि बन सकते हैं। दातून बन सकती है, मंजन बन सकता है। पहली बात तो रस, दातून, मंजन कभी नहीं बनेगा, इसीलिए बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पेड़ के रस को पकाकर क्या बनता है। किस पेड़ से रस निकाला गया था, रबड़ के पेड़ से, तो रबड़ के पेड़ से रस निकाले हैं तो रबर ही बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कि पेड़ के रस को पकाकर रबर ही बना सकते हैं। चलिए अगले गद्यांश की ओर आते हैं। बच्चों गद्यांश पढ़ने की अगर मैं ट्रिक बताऊं, कोई क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। एक बारी गद्यांश पढ़िए, फिर सारे बारी बारी क्वेश्चन और उनके ऑप्शन पढ़िए और फिर उस लाइन को गद्यांश में ढूंढिए। गद्यांश में आपको यही किया दिया रहेगा, एक बड़ा सा पैसेज, उसी में से क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसी को ऑप्शन आपको आंसर देना रहता है। तो पहले एक बार गद्यांश पढ़िए, फिर सारे क्वेश्चन को हल कर लीजिए, सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऑप्शन देख लीजिए, जो सटीक होगा वही उत्तर आप दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला गद्यांश देखें कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता, आते ही उन्होंने सर पेट छुए आंचल की गांठ खोली, किसी आदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झालती कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दार चीनी का लेप करती और 200 बार छू छू कर ज्वार का अनुमान करती, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, यदि आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ के घर वालों को परेशान कर देती। देखिए यहाँ पे एक बच्चे की कहानी है, वह बीमार है, वो अपने दादी माँ के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो आइए गद्यांश पहले क्वेश्चन की ओर, दादी माँ कहाँ से आई थी, ऑप्शन पढ़ लीजिए, नहा के, खाना खा के, खाना पका के, सोकर, खाना खाकर, खाना पका कर, सोकर, ये तीन ऑप्शन की कहीं चर्चा ही नहीं की गई गद्यांश में। एक ऑप्शन की चर्चा की गई, वो भी किसकी, नहा के आई थी, कहाँ से आई थी, नहा के। देखिए जो क्वेश्चन छोटे हैं एक बारी ही पढ़ने में आ जाए उन्हें आप लगा लीजिए, जो नहीं आएंगे उसके लिए दोबारा भी गद्यांश आप पढ़ लीजिए।
उसके बाद देखिए दादी के बालों का रंग कैसा था बच्चों, आप देख सकते हैं कि सन से सफेद बालों, यानी दादी के बालों का रंग कैसा था, सफेद कलर था, कैसा था, सफेद कलर का। फिर दादी ने क्या छुआ बच्चों, तो सिर और पेट, आते ही उन्होंने सिर और पेट छुए, क्या छुए बच्चे, सिर और पेट छुए, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दादी बुखार का अनुमान कैसे लगाती थी, पहला ऑप्शन देख लिए, दवा देकर, खाना खिलाकर, छू छू ज्वर का अनुमान करती थी सवाल पूछकर। तो बच्चों जो उसकी दादी थी वह छू छू के ज्वर का अनुमान लगाती थी। दादी सिर पर किसका लेप करती थी, तो बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सिर पर दालचीनी का लेप करती और 200 बार छू छू कर अनुमान लगाती। तो बच्चों सिर पर किसका लेप करती थी, दालचीनी का। तो ये जो गद्यांश था थोड़ा आप कह सकते हैं सिंपल था, एक बारी पढ़ने से ही उत्तर मिल गया। देखिए बच्चों मैं अपना अनुभव आप लोगों को बता रही हूँ, सारे गद्यांश कठिन नहीं आने वाले हैं। कुछ गद्यांश आप, 4 गद्यांश में से 1 या 2 गद्यांश आपको ऐसे भी आने वाले हैं जिसका उत्तर आप ढूंढेंगे तो उस गद्यांश में नहीं मिलेगा, और 2 से 3 गद्यांश आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसका बच्चों आप लोग यदि एक बार पढ़ ले तो उसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। तो जैसे कि ये गद्यांश था थोड़ा सिंपल, थोड़ा छोटा था, क्वेश्चन छोटे छोटे थे, इसमें कुछ पूछने लायक क्वेश्चन नहीं थे ना इस वजह से। तो इसमें क्या था, छोटा छोटा था, सब चीज एक ही बार पढ़ने में आ गया। अगर यदि डिफिकल्ट होता तो 3 से 4 बार पढ़ा जाता तो उत्तर निकल के आता। तो इस बार मतलब थोड़ा सा देखिए, किसी भी चीज की शॉर्टकट नहीं होती, शॉर्टकट कभी ना अपनाएं, ठीक है। अब कोई तो ये भी कहेगा जो शब्द गद्यांश में वही उत्तर, अपने से सोचना पड़ता है, कभी कभी जो गद्यांश में आया रहता है वो उत्तर गलत हो जाता है। देखिए अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप मेरी बात मान लेंगे, यदि आपने प्रैक्टिस की है तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। यदि आप कुछ नहीं जानते तो आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यदि आप पहले से ही बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मतलब जब से फॉर्म डाले हैं, तब आपके पास अब तक बहुत सारी कन्फ्यूजन बन के तैयार हो गई होगी, क्योंकि हम लोगों के साथ भी यही होता था। जुलाई से तैयारी शुरू किए थे, पेपर अप्रैल में था, आते आते हम लोग अपने ही जो सवाल शुरू शुरू में जो प्रश्न सही करते थे लास्ट में जाके उस प्रश्नों को गलत करने लगे, अपने से निष्कर्ष देने लगे थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आता जाएगा भाई पढ़ना कैसे है। कोई एक ट्रिक आपको नहीं बताई जाती, जो बता रहा है मेरी बात मान लीजिए, उस एक ट्रिक से आप कभी नहीं हो सकता है, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, एक ट्रिक मुश्किल है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप समझ जाएंगे, किसी गद्यांश में कोई अलग रूल लग रहा है तो किसी गद्यांश में कोई अलग रूल लग रहा है। अब मैं बता दूं कि बच्चों पहले ऐसे कर लिया करिए फिर वैसे कर लिया करिए, तो यार नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे और उत्तर कैसे देना है। हमारा काम केवल आपको समझाना है, वर्ग करना आपका काम है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले गद्यांश की ओर आते हैं। अगला गद्यांश हमारा यहाँ है, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है। अगला गद्यांश देखिए, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है। कितने गद्यांश हो गए, 3 हो गए, ये चौथा है ना। चलिए, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, कोई बंदा कह रहा है कि क्या तुमने बुलबुल देखी है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। किसे देखें, उसकी पूंछ को देखो, यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरे पर भी ध्यान से देखना, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ये गद्यांश पैसे 5 ही लाइन का था बच्चों। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं, किसको पहचानने का सरल तरीका है। भाई इस पूरे गद्यांश में बुलबुल के बारे में बात हुई है, तो उत्तर भी इसका क्या हो जाएगा, बुलबुल को। आगे देखिए कि यदि कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसका क्या देखें बच्चों। कह रहा था कि यदि कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखें। किसे देखें, उसकी पूंछ को देखें। तो ऑप्शन में आपकी पूंछ है डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, राइट है। उसके बाद देखिए कि बुलबुल की पूंछ नीचे से कैसी होती है बच्चों। तो बुलबुल की पूंछ आप गद्यांश में पढ़िए बच्चों, बुलबुल की पूंछ नीचे से सफेद होती है। कैसे होती है,
कि लाल होती है। देखिए पहले ऑप्शन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो बुलबुल के पूछे की बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जो होती है वो क्या होती है, लाल होती है। क्या होती है बच्चों, लाल होती है। ठीक है, आगे देखिए कि बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है। तो अब वो क्या होगा बच्चों, जो बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग क्या होता है, सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुलबुल के सिरे का रंग कैसा होता है, सॉरी बुलबुल के सिर का रंग। तो लास्ट वाली लाइन में देखिए कि उनका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग क्या होता है, काला होता है। तो काला ऑप्शन में होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये गद्यांश भी थोड़ा सिंपल था। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी अगला गद्यांश हमारा कि एक दिन चूहे ने अपने दिल में सोचा आज मैं शहर जाऊंगा। कोई चूहा है वो अपने दिल में सोच रहा है कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण दिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए, घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा रहा था, जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पे बैठा उसकी नजर चूहे पे पड़ी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चूहे ने अपने दिल में क्या सोचा बच्चों, पहली ही लाइन में लिखा है कि चूहे ने सोचा आज मैं शहर जाऊंगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, आज मैं शहर जाऊंगा, सी नंबर ऑप्शन है आज मैं शहर जाऊंगा। और उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए कि चूहे को बिल से बाहर निकले बहुत दिन क्यों बीत गए थे बच्चों। तो देखिए बारिश के कारण बिल के बाहर निकले बहुत दिन बीत गए थे। तो बारिश के कारण कौन सा ऑप्शन है बच्चों, पहला ही ऑप्शन आपका है। उसके बाद का क्वेश्चन, नटखट चूहा झटपट तैयार होकर किस ओर निकल पड़ा। तो अगर आप पढ़े बच्चों तो ये देखिए नटखट, या अगर आप यहाँ देखिए तो लिखा हुआ नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। किस ओर निकल पड़ा बच्चों, शहर की ओर। तो शहर की ओर आपको ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन ही आपका राइट है। उसके बाद देखिए रास्ते में चूहा को किसकी दुकान मिली बच्चों, तो यहाँ देखिए अगर आप, रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। किसकी दुकान दिखाई दी, कपड़े की। तो कपड़े की दुकान ऑप्शन में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है, यही राइट है। उसके बाद नटखट चूहा चुपचाप कहाँ चला गया बच्चों, गद्यांश में देखिए कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। उसके पीछे नहीं, वो बंदा कहाँ जा रहा था, दुकान में, तो वो भी कहाँ ही गया होगा, दुकान में ही गया होगा। तो बिल के बाहर, दुकान के अंदर, घर के अंदर, कपड़े के अंदर, दुकान के अंदर चला गया, बी। तो बच्चों ये पांच गद्यांश जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को कंप्लीट कराए हैं, फिर से मैं बच्चों कह रही हूँ हल करने का कोई नियम नहीं है। अभी मैं यहाँ इस गद्यांश में ये नियम बता दूं, आगे वाले गद्यांश में वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके वही जरूरी है। और हाँ, अगर थोड़ा सा एक नियम की अगर बच्चों बात की जाए तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो मैंने बताया कि एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिए और फिर सारे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन को बारी बारी पढ़िए और उस क्वेश्चन को ढूंढिए गद्यांश में ये लाइन है कहाँ और देखिए कि उसका उससे संबंधित क्या बोला जा रहा है। ऐसे आप करें, हो सकता है आपका सही हो जाए। फिलहाल तो यहाँ हम आपको कोई नियम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी बच्चों, कोई नियम नहीं पढ़ा था हम लोगों के सर ने। केवल हम लोगों को इतना बता दिया था कि आप लोगों को इतना बड़ा पैसेज मिलेगा, मतलब थोड़ा सा हो सकता है बहुत बड़ा भी हो जाए ना, बहुत छोटा भी रहता है। जिसमें छोटा रहता है उसमें तो उत्तर बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन जो बड़ा रहता है उसमें उत्तर बहुत कठिन कठिन आ जाते हैं। तो बस बताया था कि एक पैसेज आएगा, उसी में से पांच क्वेश्चन आएंगे, पांच क्वेश्चन उठाया जाएगा, उत्तर भी आपके गद्यांश में ही रहेगा बच्चों। आपके गद्यांश में दो चीज, यहाँ मार्कर नहीं है, नहीं हम लिख देते, आपसे गद्यांश में दो तीन चीजें परमानेंट पूछता है। सबसे पहला आपसे गद्यांश का शीर्षक पूछेगा, क्या पूछेगा, शीर्षक जरूर पूछ लेता है। यहाँ तो किसी भी गद्यांश में शीर्षक नहीं पूछा था। शीर्षक मतलब कि जो गद्यांश आपने पढ़ा उसे आप क्या हेडिंग दे पाएंगे, ठीक है, क्या हेडिंग आप उसे दे पाएंगे, आपके अकॉर्डिंग कौन, चार ऑप्शन दिया जाएगा, चारों में से आप क्या देना चाहेंगे। ये क्वेश्चन आपको आपके गद्यांश में देखिएगा जरूर आएगा, पक्का 100% आएगा, क्योंकि हर बारी के पेपर में आप। और एक आपसे वो एक शब्द, अनेक शब्दों का एक अर्थ जरूर पूछ लेता, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये क्वेश्चन भी एक आता है, एक आपसे विलोम पूछ लेता, एक पर्यायवाची,
इतने तो 5 क्वेश्चन में आ ही जाता है, ये बात तय नहीं। आप देख लीजिएगा, मैंने भी बहुत सारे पेपर देखे, अपना खुद का पेपर, मेरे भाई का पेपर और मेरे साथ के बहुत से बच्चे हैं, उन सब का पेपर देखा है बारी बारी से। इस बार जो पास हुए थे उनका भी पेपर देखा, सब में ये कंडीशन लगी है, सब में ऐसा हुआ है, तब मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और हमारे पहले से जो बैच था उसका भी पेपर मैंने देखा है, उन देखिए सबका मॉडल पेपर क्या कहते हैं, हाँ बोलते हैं सबका, अब तो वो प्रीवियस ईयर हो गया, देखिए बुक में दिया रहता है, तो आप देखिए 17 देखिए, 18 देखिए, 19 देखिए, 20 देखिए, देखिए चारों की गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िए और गौर कीजिए कि क्या चीजों को ये रिपीट किया है। मतलब कुछ चीजें निश्चित है जो हर बारी के पेपर में आ रही, वो चीज आप अपने से ढूंढिए। इतना कर्तव्य करने का बच्चों ये आपका काम है, अब इतनी सारी चीजें बताएंगे हम, मतलब एक एक काम हम बताएं तो आप करेंगे? कुछ आपके पास भी दिमाग है, अपने से भी करिए। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग, तो कुछ और क्या अगले बार ही सो या फिर गद्यांश या फिर मैं कुछ जरूर आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बहुत कुछ है इस चैनल पे। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।